रूप की मम्मी का प्यारा बेटा। एक माँ एक कलाकार अपने घर को अपने हाथों से संवारती है, अपने नन्हे बेटे का ख्याल रखती है और सीरियल की शूटिंग भी करती है। सास वो बेटे आज आपको मिला रहा है अभिनेत्री मिताली नाग के साथ। सीरियल रूप की कमला जो रूप की प्यारी सी मम्मी है, रियल लाइफ में है आज की नारी जो अपना घर संभालती है और साथ साथ हुनरमंद भी है। कार्विंग का आर्ट पारंगत है एक खास कला में। इसी के साथ अपने घर को संभालती है और अपने बेटे का भी ख्याल रखती है क्योंकि ये है आज की दुनिया की मॉडर्न नारी। तो मिताली नाग रियल लाइफ में कितनी टैलेंटेड है ये जानने के लिए आज हम चलते हैं मिताली के घर पर। देखेंगे घर पर कैसे वो कार्विंग वर्कशॉप चलाती है, कैसे अपने बेटे रुद्राज का ख्याल रखती है, कैसे अपने घर को सजाती है संवारती है और फिर सीरियल के सेट पर कैसे बन जाती है रूप की प्यारी मम्मी कमला। देखेंगे मिताली का रियल लाइफ मम्मी वाला रोल और साथ साथ एक कामकाजी गृहिणी का रूप भी। इसके लिए तो सीधा चलते हैं मिताली के घर पर और उन्हें कहते हैं हेलो। सास बहू बेटियां आपका मेरे घर में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत टाइम बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। मेरा घर भी नया नया दिख रहा होगा आप लोगों को। चलिए बाकी सब बातें करने के पहले सबसे पहले आप लोगों को मेरे घर का एक टूर देती हूँ। यूँ तो मिताली एक अभिनेत्री है लेकिन उन्होंने अपने पति नीरज से शादी की और अब उनका एक बेटा है जिसका नाम है रुद्रांश। शूटिंग के साथ साथ वो अपने बेटे का भी ख्याल रखती है। तो जरा मिलते हैं कमला के रियल लाइफ रूप यानी बेटे रुद्रांश थे। ये है मेरा छोटा सा और प्यारा सा बिटुआ। You wanna talk on the microphone? You wanna talk? What do you wanna say? Oh, what do you wanna say? Don't touch. No, putting it in your mouth. Don't put it in your mouth. बस इसका अभी यही है एक्सप्लोर करना हर चीज। आओ हर चीज इसको अपने मुंह में डाल के एक्सप्लोर करनी है। Don't put it in your mouth. Sweet little home. I love it. I hope you love it too. भाई जब मिताली शूटिंग नहीं करती है तो अपने बेटे का ख्याल रखती है। देखिए कैसे अपने बेटे को लोरी सुना रही है। रुद्रांश इज अ वेरी गुड बॉय, वेरी गुड बॉय, वेरी गुड बॉय। रुद्रांश इज अ वेरी गुड बॉय एंड दैट्स व्हाई वी ऑल लव यू। And that's why we all love you. Rudranch is a sweetie pie, sweetie pie. Rudranch is a sweetie pie, and that's why we all love you. La 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 la. As I said, सोने के मूड में नहीं है ये भी, but yes, ये लल्लबाई हम इसको गा के सुनाते हैं और ये सो जाता है। अब जानते हैं मिताली की उस खास आर्ट को जो वो अपने खाली समय में करती हैं। जी हाँ, मिताली एक फेमस कार्विंग आर्टिस्ट है जो हाथों के सांचों को क्रिएट करती हैं और बनाती हैं ये यादगार तस्वीरें। ये सब करने के बाद जो मेरे पास टाइम बच जाता है उस टाइम में मैं एक बहुत ही प्यारा सा आर्ट प्रैक्टिस कर रही हूँ और उस आर्ट को अब मैं प्रोफेशनली भी कर रही हूँ। इट इज़ कॉल्ड 3D लाइफ कास्टिंग। अगर आप ये देख रहे हैं, ये देखिए, एक छोटी सी लड़की का, छोटी सी बच्ची का हैंड का रेप्लिका है। ये उसका हैंड है, एग्जैक्ट हैंड जिसका मैंने मोल्ड बनाया और उस मोल्ड का मैंने ये कास्ट किया। ये हैंड, ये एक हाथ है और ये दूसरा हाथ है। तो ये अभी रॉ है, इस पर फिर फिनिशिंग होगी। फिनिशिंग होने के बाद उस पर कलरिंग होगी, फिर कलरिंग होने के बाद में इसका डिज़ाइनिंग होगा और डिज़ाइनिंग करने के बाद एक फाइनल कस्टम फ्रेम बनेगा ऐसा। ये रुद्रांश का फ्रेम है, ये रुद्रांश है और ये रुद्रांश का हाथ और पैर है। तो अगर आप देखेंगे तो रुद्रांश जब बड़ा हो जाएगा उसके बाद भी हमारे पास रुद्रांश के ये छोटे छोटे हाथ और पैर रह पाएंगे। सो दिस आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनली करती हूँ, जहाँ मैं छोटे बेबीज़ के, अडल्ट्स के, मतलब जैसे कि पेरेंट्स हो गए, गुरु हो गए, पेट्स हो गए, इन सब के हैंड्स और फीट का मैं 3D कास्टिंग करती हूँ। मेरी कंपनी का नाम है स्कल्प्ट बाय मिताली नाग। तो बाकी का मेरे पास जितना भी टाइम, मतलब मेरा शूट और ये सब चीज़ें ख़त्म होने में जो भी टाइम बचता है, अब मैं प्रोफेशनली ये स्कल्प्टिंग प्रोफेशनली प्रैक्टिस करती हूँ। मुझे बहुत मज़ा आती है जब मैं छोटे छोटे बेबीज़ के हाथ और पैर बनाती हूँ, तो आई एम श्योर उनके पेरेंट्स को भी बहुत मज़ा आती होगी। रुद्रांश जब छोटा सा था, आई थिंक ही वॉज 1 day old, तब मुझे ऐसा लगा कि इसके छोटे छोटे टाइनी हैंड्स और फीट जो है वो
जिंदगी भर ऐसा कुछ, काश ऐसा कुछ हो जिससे ये छोटे छोटे हाथ और पैर हमेशा ऐसे ही रहे। तो थैंकफुली देखिए भगवान ने मेरी सुन ली, मैंने इंटरनेट पे थोड़ा सर्च किया तो मुझे मिला 3D लाइफ कास्टिंग, एक आर्ट फॉर्म। तो मैंने USA कास्टिंग आर्टिस्ट के साथ ई कोर्स किया, ऑनलाइन मैंने उनके साथ कोर्स किया और मैं रुद्रांश में प्रैक्टिस करने लगी। एंड व्हेन आई वाज रेडी, व्हेन आई वाज परफेक्ट विद द वर्क, आई लॉन्च्ड माय कंपनी। आई थिंक सभी को होना चाहिए आज की डेट में मल्टी टैलेंटेड। और मेरी ऐसी पर्सनैलिटी है नहीं जो मैं खाली घर पर बैठे रहूँ, तो व्हेन आई एम होम आई कीप डूइंग समथिंग और दी अदर। अब ये नया आर्ट फॉर्म है जो करने में मुझे बहुत मज़ा आती है, बहुत मतलब इट्स ब्यूटिफुल यू नो, बिकॉज इन अ वे आई एम क्रिएटिंग इट माई सेल्फ, सो इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस। तो चलते हैं मिताली के घर के इस कोने में और देखते हैं कि वो क्या कर रही हैं। मैं मोल्डिंग जेली तैयार कर रही हूँ। इस मोल्डिंग जेली के अंदर मैं अयान का, जिसका कास्ट मैं आज बनाने वाली हूँ, उसका पैर डालूंगी। भाई मिताली ने आर्ट USA में सीखा था और देखिए कैसे उन्होंने इस बच्चे के हाथ का नाप लिया और उसके बाद इस मोल्ड से तैयार किया उसका इंस्टॉलेशन। बाहर अयान रेडी बैठा है कि मैं जल्दी से मोल्डिंग जेली लेकर आऊँ। आई होप अयान अच्छे मूड में हो और ताकि मैं फटाफट उसके पैर का इम्प्रेशन दे। मुझे ऐसा लगता है कि खाना बनाना और इस चीज़ को कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज यू नो खाना बनाने एक अलग आर्ट है और ये एक अलग आर्ट है। चलिए जल्दी जल्दी बिफोर द जेली सेट्स। अयान हाय, लुक व्हाट वी गॉट फॉर यू। वाओ सो ग्रेट, राइट? नो वाओ, पुट इट पुट इट पुट इट इनसाइड। आ तक 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 पाए तक। हाँ नाइस नाइस, पुट इट इनसाइड। अयान पूर्ण पाए तक। यस वेरी गुड, नाउ जस्ट कीप इट लाइक दिस। और नीचे रखो, और नीचे पाए खाली के। हेलो खाली के। हाँ जली हार्ड हो गई है, मतलब ये मोल्ड रेडी। एंड नाउ वी गोना गेट अयान्स फुट आउट 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 आउट। ओके, तो अब ये अयान के पैर का मोल्ड बन गया है। इसमें मैं कास्टिंग पाउडर डाल के फिर इसको कास्ट करूँगी। अब हम थोड़ी देर के लिए ये रख देते हैं और अयान के हाथ का कास्ट। मोल्डिंग जेली बनाने का जो पाउडर है उसको मैंने पानी में मिक्स किया है और बहुत फटाफट करना पड़ता है, नहीं तो ये जेली सेट हो जाएगी क्विकली इन 10 seconds, इसलिए मुझे फटाफट मिक्स करके। ये कलर चेंजिंग इंडिकेशन होता है कि कब जेली सेट हो रही है। अभी जब मैं इसको मिला रही हूँ, जब ये जेली बन रही है तो इट इज़ पिंक इन कलर, इफ यू सी इट इज़ पिंक इन कलर, और जब ये सेट हो जाएगी तब ये येलो कलर की हो जाएगी। अब हमको अयान का हैंड लेना है। चलिए Yellow, 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 and yellow, मतलब अब ये set हो रहा है, so it becomes like a rubber, जैसे rubber की जली होती है, it's almost done, and very easily, now I am going to pull Ayan's hand out. हैंड का भी इम्प्रेशन रेडी है। नाउ आई मिक्स द कास्टिंग पाउडर, जिससे मैं इसका एक्चुअल हैंड का कास्ट बनाऊंगी। ओके, बहुत कम लोग इस आर्ट के बारे में जानते हैं और मिताली ने हमें इस कार्विंग आर्ट के बारे में बताया। कभी किसी ने रखा भी नहीं इस काम के लिए, तो मुझे ऐसा लगा कि स्कल्प्ट इज अप्रोप्रिएट फॉर दिस काइंड ऑफ वर्क दैट आई एम डूइंग, सो दैट इज़ द रीज़न दैट आई चोज स्कल्प्ट। कास्टिंग पाउडर में पानी मिला के इसको थोड़ा रहने देते हैं, फिर इसको हम मिक्स करेंगे, कास्ट बनेगा। इसको लगता है 3 से 4 घंटे सूखने के लिए। फिर सूखने के बाद जो हमने जेली जो मोल्ड बनाया वो मोल्ड को मैं निकालूंगी, बेसिकली आई अनमोल्ड इट, और उसके बाद अयान का हैंड और उसका फीट रेडी हो जाएगा। फाइनली मिताली के कार्विंग आर्ट का काम हुआ पूरा।
मेरी मदद करेंगे हमारे छोटू जी, निकालूंगी उसको, फिनिश करूंगी, फिर कलर करूंगी, फिर फ्रेम करूंगी। एंड एज आई सेड, आप फाइनल फ्रेम जो है वो देख सकते हैं मेरे पेज पे, स्कल्प्ट बाय मिताली नाग। तो सास बहू और बेटियां के व्यूअर्स और मेरे फैंस, आप सब लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जितना प्यार आप लोगों ने मुझे मेरी एक्टिंग के लिए दिया है, मेरी सिंगिंग के लिए दिया है, बस उसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद मुझे मेरे नए काम स्कल्प के लिए भी देते रहिए। और मौका दीजिए कि मैं आपके बच्चों का, पेरेंट्स का, ग्रैंड पेरेंट्स का या पेट्स का, उनके हाथ और पैर के छोटे छोटे कास्ट बनाकर आपके लिए एक प्यारी सी मेमोरी तैयार करने के लिए आपका आपका हिस्सा बनूं। थैंक यू। उन्होंने तैयार किया ये खास तरीका सांचा, जो बन जाएगा एक इंस्टॉलेशन आर्ट। भाई मिताली इस कार्विंग की हॉबी को तो करती हैं, लेकिन साथ साथ अपने घर को भी संवारती हैं। सीधा चलते हैं मिताली के घर में और देखें आखिर अपने घर को कैसे सजाया है। एक स्कल्प्टर और माँ होने के साथ साथ मिताली एक होम मेकर भी है, जिसकी छाप दिखाई देती है उनके घर में। फिर चाहे वो उनके घर की सजावटें हो, घर में रखी हुई किताबें हो, उनके घर के कमरे हो, घर की पेंटिंग्स हो, या फिर हो उनकी तस्वीरें और सबसे खास उनकी रसोई। तो चलिए एक एक करके उनके घर का टूर लेते हैं। छोटू जो है वो हमारे घर का खाना बनाता है, हमारा ध्यान रखता है, सब कुछ करता है, हमारे साथ ही रहता है, इसलिए मुझे ज़्यादा किचन में आने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट जब कभी भी किचन, जब कभी भी ऐसी कोई चीज़ बनाना होता है जो मेरे हस्बैंड को खाना है और छोटू को बनानी आती है, तो आई कम इन द किचन। ये हमारे घर का छोटा सा मंदिर है, जहाँ पे मैं रोज़ सुबह शाम भगवान जी को प्रे करती हूँ। चलिए अब चलते हैं बेडरूम में, जो फिलहाल सिर्फ हमारा बेडरूम नहीं है, बिकॉज हमारे साथ हमारा छोटा रुद्रांश भी सोता है साथ में। साथ साथ रुद्रांश का भी एक छोटा सा क्रिब यहाँ पे रखा हुआ है, एंड वी पुट हिम टू स्लीप ऑन दिस क्रिब। दिस इज माय ड्रेसिंग एरिया, हाफ ऑफ इट एक्चुअली, ये मेरा हाफ ड्रेसिंग एरिया और हाफ ड्रेसिंग एरिया मेरा अंदर है, बिकॉज आई हैव अ बिग बाथरूम एंड ऑल माई वैनिटी जो भी है मेरा, वो सब मैंने बाथरूम में सेट किया हुआ है। आई यूज़ दैट एंड समटाइम्स दिस टू गेट रेडी। ये हमारा बुक शेल्फ है, जिसमें बहुत सारे, आप देख रहे होंगे ये सब इंसाइक्लोपीडियाज़ है जो अब नहीं मिलते हैं। ये सब मेरे फादर इन लॉ का कलेक्शन है और ये सब हमने हमारे पास इसलिए रखा है क्योंकि जब रुद्रांश बड़ा होगा तो हम इस इंसाइक्लोपीडिया से उसको हर चीज़ पढ़ के सिखाएंगे। इस बालकनी का व्यू भी बहुत ब्यूटीफुल व्यू है, यहाँ से भी आपको सेम चीज़ें दिखती है, यहाँ से सीलिंग दिखेगा, यहाँ से मड आइलैंड दिखेगा और यहाँ से अंधेरी बैंड्रा दिखेगा। इट्स अ ब्यूटीफुल व्यू। तो ये है मेरा बाथरूम और एज आई सेड मेरा ड्रेसिंग है ये। तो मेरी कॉस्मेटिक्स, मेरी वैनिटी, ये सब मेरे परफ्यूम्स वो सब यहाँ रखे हैं। तो मैक्सिमम टाइम मैं ये जगह यूज़ करती हूँ क्योंकि यहाँ की लाइट भी बहुत अच्छी है और ब्राइट है। तो समटाइम्स आई यूज़ दैट मिरर, समटाइम्स, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई यूज़ दिस पोर्शन। दिस माई बाथटब, मेरा फेवरेट है। जब मैं शूट से आती हूँ, अगर मेरा जल्दी पैकअप हो जाए, मैं शूट से आती हूँ तो मैं यहाँ पे मस्त गरम गरम पानी में अपने आप को रिजुवनेट करती हूँ। मेरे बाथटब की एक बहुत ही खास बात है, आप वो नीचे स्टोन्स देख रहे हैं, पेबल्स, ये जो पेबल्स है ये नेचुरल पेबल्स है। जब हम लद्दाख गए थे, लेह और लद्दाख, मैं वहाँ के जो रिवर्स थे वो रिवर्स से मैं ये पेबल्स उठा के लाई थी, बिकॉज मैं चाहती थी कि मेरे बाथटब में भी मुझे वो नेचुरल फील आए। तो ये सारे पेबल्स जो है, दीज आर नेचुरल पेबल्स, ये मार्केट से ख़रीद के नहीं लाई हूँ मैं, ये मुझे नेचुरल नदी में से मैं निकाल के लाई हूँ। तो जब मैं इसके अंदर जाती हूँ, इससे पानी भी प्योरीफाई होता है, इससे पानी प्योरीफाई होता है और मुझे बहुत ही नेचुरल फील आती है जब भी मैं बाथटब में जाती हूँ। ये हमारा लिविंग रूम है, और इसके पहले कि आप लोग तारीफ़ करें, मैं बताना चाहूँगी कि मेरे हस्बैंड जो कि प्रोफेशनली इंटीरियर डिज़ाइनिंग प्रैक्टिस करते हैं, उन्होंने हमारा घर डिज़ाइन किया है। तो जो भी कॉम्प्लीमेंट्स हैं वो सारे मेरे हस्बैंड के लिए। ये मेरे घर का मेरा सबसे फेवरेट कॉर्नर है, ये हमारी बड़ी फ्रेंच विंडोज़। इस विंडो को अगर मैं खोलूँगी तो यहाँ से ठंडी ठंडी हवा आएगी और आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा व्यू मिलेगा, क्योंकि मैं 25th फ्लोर में रहती हूँ, आसपास कोई बिल्डिंग्स नहीं है, तो यहाँ पे वेंटिलेशन बहुत अच्छा है। सामने वहाँ से मुझे सीलिंग दिखाई देता है, मुझे मड आइलैंड और वर्सोवा के साइड वाला पूरा सी दिखाई देता है, इस तरफ से मुझे हैपनिंग अंधेरी बांद्रा वो सब दिखाई देता है। तो देखा आपने सीरियल की इस अभिनेत्री का एक ऐसा रूप जो माँ का भी है, एक कामकाजी महिला का भी है और एक गृहिणी का भी है, और यही तो है आज की नारी जो एक साथ कई चीजें बैलेंस करती है।
मैं सास बहू और बेटियों के व्यूअर्स को ये बोलना चाहूँगी कि अब तक आप लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है, आप लोगों ने मुझे मेरे हर चीज़ पे जितना सराहा है, प्लीज़ मुझे उतना ही प्यार देते रहिए, उतना ही सराहते रहिए, अपना आशीर्वाद ऐसे ही हमेशा मेरे साथ रखिए। तो मैं आप लोगों को एवरी टाइम आई विल कीप मेकिंग यू मोर एंड मोर प्राउड। थैंक यू। और मिताली नाग इसी का उदाहरण है। आज तक ब्यूरो।